वेस्ट बंगाल में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ टीएमसी के विरुद्ध एक आंदोलन छोड़ा। जहां एक तरफ पुलिस तीन तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी कार्यकर्ताओं को, वहीं दूसरी तरफ कुछ वीडियो सामने आई जो वाकई शर्मसार करने वाली हैं। जिस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स को घेर कर पीटा जा रहा था वो वाकई दर्दनाक था। कई लोगों को ये वीडियो देख कर सीएम योगी आदित्यनाथ की याद आ गई कि अगर वो राज्य में मुख्यमंत्री होते तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला देते। दरअसल पश्चिम बंगाल का सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बड़ी बुरी तरह घेर कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की करनी और कथनी पर कि दरअसल ये किस तरह की गुंडागर्दी है और प्रोटेस्ट के नाम पर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अगर बात की जाए पुलिस ऑफिशियल्स की तो भारत के पुलिस वाले भी जवानों की तरह ही हैं, जो जनता को काबू में करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन किस तरह से घेर कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, ये वाकई निंदनीय है। वहीं कुछ और वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस की गाड़ी को तोड़ते फोड़ते बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। सभी वीडियोज काफी ज्यादा शर्मनाक हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर इस तरह के कृत्य नहीं किए जाने चाहिए। वहीं हैरानी इस बात की है कि इस पूरे कृत्य पर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल बीजेपी से या बीजेपी के मेन प्रवक्ताओं की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी की गई है वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ऐसे में निहत्ते पुलिसकर्मियों के ऊपर इस तरह से घेर कर वार करना और बर्बरता करना वाकई निंदनीय है। और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए जो आए दिन ये गुहार लगाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी की प्रशासनिक सरकार उन पर वेस्ट बंगाल में अत्याचार कर रही है, ऐसे में अगर वो पुलिस के साथ इस तरह का रवैया करते हैं तो जाहिर है कि ये सोचने पर मजबूर करता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नवनो अभियान यानी कि सचिवालय चलो अभियान मंगलवार को अचानक हिंसक हो गया। मध्य कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में दोपहर एक थाने के पास पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार में आग लगा दी। मौके से मिली वीडियो में देखा जा सकता है लोग लाठी डंडों के साथ इधर उधर भाग रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते हुए हिरासत में ले लिया गया था।